तो आज हम जानेंगे WWW के बारे में। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एनेबलिंग इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड ओवर इंटरनेट थ्रू सिंप्लीफाइड वेज। तो ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसकी मदद से क्या होता है कि सिंप्लीफाइड वेज में इंफॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबल है, ठीक है ना। सिंप्लीफाइड वे में इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबल हो जाता है WWW के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस ओवर इंटरनेट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स द HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर आप WWW का यूज़ करते हैं तो उसके माध्यम से आप क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स और अदर वेब रिसोर्सेज को आप देख सकते हो ओवर इंटरनेट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स, ठीक है। वो स्पेसिफिक रूल्स किसके द्वारा गवर्न होंगे, वो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा गवर्न होंगे। नेक्स्ट, WWW इज़ अ डोमिनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है ना। इट वॉज इन्वेंटेड बाई टीम बर्नर ली एट CERN इन 1989 एंड ओपन टू पब्लिक इन 1991। तो ये टीम बर्नर ली द्वारा ये इन्वेंट हुआ था 1989 में और पब्लिक के लिए 1991 में इसे ओपन कर दिया गया था। इट वॉज कंसीव्ड एज अ यूनिवर्सल लिंक्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल लिंक्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में इसे देखा जाता है। तो होप आपको WWW के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिली होगी। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।